राजस्थान धरियावाद क्षेत्र में बीते दिनों अतिवृष्टि की बरसात होने से बजपुरा पुलिया बीच से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण बड़े वाहनों का आवागमन तो बंद हो गया, लेकिन छोटे वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर पुलिया की साइड दीवार से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विगत 5 दिन पूर्व बरसात होने के चलते पुलिया पर 5 फीट पानी बह रहा था। इस दौरान आवागमन बंद था, लेकिन पुलिया से पानी उतरने के पश्चात बीच से पुलिया क्षतिग्रस्त पाई गई। यही नहीं, पानी उतरने के पश्चात पुलिया के नीचे पाइप में भैंस का शव दिखाई दिया। ग्रामीणों के लाख प्रयास के बाद भी पाइप के अंदर फंसे भैंस के शव को नहीं निकाला जा सका, लेकिन पानी का दूषित होना जारी है। आपको बता दें कि पुलिया के टूटने से बजपुरा, मांडवी, लोडी मांडवी, आड़, गोपालपुरा, बारसूला, कोटा सहित दर्जनों गाँव के संपर्क टूट गए हैं। हजारों लोग इस पुलिया के टूटने से प्रभावित हुए हैं। वहीं बड़े चार पहिया वाहनों को 10 किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर बजपुरा सहित अन्य गांव के लिए जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि पुलिया को लेकर अधिशासी अभियंता ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अस्थायी तौर पर रिपेयर कराकर आम जन को सुविधा देने की बात कही है। सर, कम से कम पुल को चालू हुए ना 48 घंटे होने आए, अभी तक प्रशासक नहीं जगा हुआ है। इस प्रकार से पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, किसी को कोई पड़ी नहीं है, जबकि यहाँ मात्र 2 या 4 ट्रैक्टर मलबा या किसी प्रकार की गिट्टी या किसी भी प्रकार का भराव डाल करके भी रास्ते को चालू कर सक रहे थे, परंतु किसी प्रकार से प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक धरियावाद तहसील का नमूना है। सियाराम भाई, देखिए बारिश के चलते हुई है जो पब्लिक को समस्या हुई है, उसका प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी ध्यान नहीं है। अपने जो भी कहें, अपने दरियाबाद के विधायक महोदय हो, जो भी हो, तो प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी पब्लिक को कितनी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एकदम मूत के मुँह में से निकल रहे हैं लोग, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। जहाँ तक हो इसको रिपेयरिंग करा दें ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। जय सियाराम। तो आज दरियावत में लगातार 5 दिनों से बरसात हो रही थी। इस दरमियान बारिश का दौर थमने के पश्चात दरियावत से पारसोला जाने वाले मार्ग के बीच बजपुरा पुलिया जो आती है, इस पुलिया पर 15 फीट टूटने के साथ ही टू व्हीलर वाहन चालक व पैदल निकलने वाले लोगों को ही रास्ता मिल पा रहा है। इस दौरान 4 व्हीलर गाड़ियाँ पूरी तरह से बंद पड़ी है, और इस नदी पर जो झाखम नदी का पानी आ रहा है, यहाँ पर एक भैंस बहती हुई दिखाई दी, जिस पर ग्रामीणों ने उसको निकालने का प्रयास किया, परंतु नहीं निकलने से उक्त भैंस इस पुलिया के नीचे फंसी हुई है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने इस पुलिया को ऊपर नहीं बनाने की मांग की है, ताकि यहाँ पर बरसात के चलते रास्ता यथावत चलता रहे। स्थानीय प्रशासन से लोगों ने यह भी कहा है कि शीघ्र ही दरिया क्षेत्र में जो भी पुलिया टूटी हुई है उसको दुरुस्त किया जाए। हितेश पालीवाल की रिपोर्ट, दरियावाद।